सो वेलकम बैक टू लूनारिक टॉक्स एनिमेशन सीरीज का 20th एपिसोड है। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले VFX के 9th सेक्शन के बारे में, यानी कि ट्रैकिंग के बारे में। अब ट्रैकिंग के लो, मैच मूविंग के लो या फिर मैच मूव के लो, ठीक है, एक ही बात से ज्यादा कंफ्यूज ना होना। तीन वर्ड, एक ही मीनिंग, हम सब भाई भाई है, ठीक है। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल प्लेलिस्ट अवेलेबल है एनिमेशन सीरीज की हिंदी में, आप जाके देख सकते हैं। और मैंने 3D VFX की सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखी है ताकि आप इंडिविजुअल कंटेंट को एक्सेस कर सके। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई? टाइम पास। अच्छा चलो निकलो, गेट आउट। इडियट्स, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आओ तो सर जी, पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप पूरे फिल्म में कौन सा वर्ड यूज करेंगे। आपके बहुत सारे फिल्म है, ये रहे आपके ऑप्शंस। ए ट्रैकिंग, बी मैच मूवी, सी मैच मूव, डी ऑल ऑफ द अबव। ट्रैकिंग। ओह गलत जवाब। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता गलत है कि सही, मैं ट्रैकिंग यूज करूंगा। सो केपीसी वाला गेम यहाँ पर ओवर हो चुका है। हम बात करते हैं एक्चुअल टॉपिक के बारे में, जो कि ट्रैकिंग। सो ट्रैकिंग का सिर्फ मतलब यही होता है किसी भी सीन या फिर किसी फुटेज में से किसी कैरेक्टर, किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी एलिमेंट या फिर पूरे सीन के मोशन को ट्रैक करना, या फिर उस सीन के कैमरा को ट्रैक करना, या फिर कैमरा को स्टेबलाइज करना। ये सारी चीजें हम करते हैं ट्रैकिंग वाले सेक्शन में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, मैं आपको समझाता हूँ इजी लैंग्वेज में। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली ट्रैकिंग और इनके कॉन्सेप्ट होते क्या है। तो सबसे पहला सवाल है पर ये बंदे के हम ट्रैक करते क्यों है, जरूरत क्या ट्रैक करने की। हम किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी कैरेक्टर को ट्रैक इसलिए करते हैं ताकि हम उसकी ट्रैक वाली इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है उस ट्रैक वाली इन्फॉर्मेशन पर हम कुछ और डेटा उस पर अटैच कर सके, ताकि जब उस ट्रैक वाली इन्फॉर्मेशन जो डेटा अटैच हो तो वो डेटा डिटो उसी की तरह मूव करे, यानी उसकी मोशन को कॉपी कर ले। आप समझे? डेमो देता हूँ, ठीक है। आप समझे? तो बेसिकली यही है ट्रैकिंग। किसी भी कैरेक्टर, किसी भी एलिमेंट या किसी ऑब्जेक्ट को हमने ट्रैक करा, उसके ट्रैक वाले डेटा में हमने कोई भी दूसरा डेटा अटैच कर लिया ताकि वो उसी की तरह मूव करे, उसी के मोशन को कॉपी कर ले। जिस तरीके से मैंने आपको डेमो दिया, बेसिकली जो फोटो मैं अपने हाथों के थ्रू मूव कर रहा था वो ट्रैक करके मैंने मूव करवाया। बेसिकली मैंने क्या किया था कि मैंने अपने हाथों पे कुछ ट्रैकर पॉइंट्स लगाए थे सॉफ्टवेयर के थ्रू। टेम्स ट्रैकर पॉइंट ने मेरे हाथ के मोशन को ट्रैक करा और मुझे ट्रैक इन्फॉर्मेशन दे दी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने उस ट्रैक इन्फॉर्मेशन पे कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया, जिसकी मैंने यहाँ पर इमेज अटैच करी। देन उस इमेज ने क्या किया, इमेज ने उस ट्रैक इन्फॉर्मेशन को अपनी मेन इन्फॉर्मेशन समझी और देन उसी को फॉलो किया उस इन्फॉर्मेशन को। That's it, that's tracking. भी कौन सा थोड़ा सा और इजी और आपको कॉम्प्लिकेट ना लगे, इसलिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है डॉक्टर स्ट्रेंज का, मार्वल मूवी का। हर बार वीडियोस में मार्वल मूवी से एग्जांपल देता हूँ पर फिर भी मेरी वीडियो वायरल नहीं होती। सो स्क्रीन पे आपको इमेज शो होगी जो कि बिहाइंड द सीन की इमेज है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ में एक स्टिक है। तो मूवीज में जो आपने वो सीन देखा था तो बेसिकली उसके हाथ में स्टिक एक मैजिकल वेपन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किया था कि बेसिकली स्टिक के थ्रू पूरा सीन शूट किया था, देन उस स्टिक के मोशन को ट्रैक कर लिया था और देन उसके ऊपर वो मैजिक वाला इफेक्ट उस ट्रैक इन्फॉर्मेशन से अटैच कर देता है ताकि वो अटैच वाली इन्फॉर्मेशन स्टिक के इन्फॉर्मेशन को फॉलो कर रहे। सब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आता है कि कैमरा ट्रैकिंग क्या होती है, ठीक है। सो कैमरा ट्रैकिंग का सिंपली मतलब ये होता है कि किसी भी कैमरा को ट्रैक करना, यानी VFX सॉफ्टवेयर में कैमरा के मोशन को ट्रैक करना, देन उसे 3D सॉफ्टवेयर में ले जाके यूज करना। घबराओ मत, इसी और सरल भाषा में समझाता हूँ। तो कभी आपने ये सोचा कि जो भी सीन्स वगैरह फील्ड पे शूट होते हैं, ठीक है, जो शूटिंग्स वगैरह सीन्स की होती है, तो उन्हीं सीन्स में प्रॉपर तरीके से उसी कैमरा मोशन के साथ कोई भी 3D एलिमेंट या वो 3D कैरेक्टर को उसमें किस तरीके से ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है कैमरा ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट। तो सीन यहाँ पर ये होता है कि जो भी सीन आप फील्ड पे शूट करते हैं, ठीक है, शूटिंग्स वगैरह जब कंप्लीट हो जाती है तो उस सीन में जब कोई भी 3D कैरेक्टर या 3D एलिमेंट को जब ऐड करना होता है, तो यहाँ पर होता क्या है कि उस सीन को VFX सॉफ्टवेयर में ले जाया जाता है। VFX सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑप्शन होते हैं कैमरा ट्रैकिंग का, जिसके थ्रू सीन क्या होता है कि जो भी सीन आपके पास है या फुटेजेस आपने VFX सॉफ्टवेयर में लोड करिए, अब उस सीन के कैमरा को ट्रैक किया जाता है, ठीक है, उसके ट्रैक पॉइंट्स वगैरह निकाले जाते हैं या फिर कहो कैमरा के मोशन को ही सिंपली ट्रैक किया जाता है।
देन फिर उस कैमरा के मोशन को ट्रैक करने के बाद उसको इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है VFX सॉफ्टवेयर में। फिर क्या होता है कि उस इंफॉर्मेशन को हम 3D सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करते हैं और देन जो हमने इंफॉर्मेशन 3D सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करी उस कैमरा के थ्रू हम 3D कैरेक्टर्स या 3D एलिमेंट्स का रेंडर ले लेते हैं और रेंडर होने के बाद देन फाइनली उसे मर्ज कर देते हैं रियल सीन के साथ। इससे ये होता है कि जो भी सीन हमने कैमरा से शूट किया फील्ड पे वही कैमरा मोशन के साथ हम 3D कैरेक्टर्स का 3D एलिमेंट्स का रेंडर ले लेते हैं तो फिर हमें रियलिस्टिक फील आता है कि बेसिकली वो कैरेक्टर वहीं पर ही है सेम कैमरा मोशन के साथ वही शूट किया गया है। अगला कॉन्सेप्ट है कैमरा स्टेबलाइजेशन का। तो बेसिकली कैमरा स्टेबलाइजेशन होता है आप कोई वीडियोस वगैरह शूट करते हो तो सीन क्या होता है कैमरा वगैरह शेक होता है थोड़ा सा हिल जाता है ये सब होता है VFX सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसे स्टेबलाइज कर सकते हैं यानी कि जो शेक वगैरह मूवमेंट वगैरह होता है हल्का सा शेक वगैरह हो रहा है हिल रहा है या प्रॉपर तरीके से हम उसे होल्ड नहीं कर पा रहे ठीक है तो यहाँ पर हम VFX सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये एक्सप्लेन करना थोड़ा सा आसान। जब हम बात करें ट्रैकिंग की तो ट्रैकिंग के हमारे पास कई सारे ऑप्शन वगैरह होते हैं प्लगइन्स वगैरह होते हैं अलग अलग कैटेगरीज अलग अलग टाइप की ट्रैकिंग वगैरह होती है पॉइंट ट्रैकिंग प्लैनेट ट्रैकिंग मोका ट्रैकिंग पॉइंट ट्रैकिंग में हमारे पास अलग अलग ट्रैक्स होते हैं उसमें भी जैसे 1 पॉइंट ट्रैकिंग 2 पॉइंट ट्रैकिंग जितने ट्रैक्स लगाएंगे उतने पॉइंट ट्रैकिंग आप कह सकते हैं। देन होती है प्लैनेट ट्रैकिंग देन होती है मोका ट्रैकिंग। मोका ट्रैक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैक प्लगइन कह लो या ठीक टूल कह लो जो भी है सो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैकिंग को बहुत इजी बना देता है अच्छा आउटपुट हमें जनरेट करके देता है हालांकि सेटिस्फाई आउटपुट नहीं होता 100% आउटपुट आपको नहीं मिलेगा प्लगइन एक मशीन है ठीक है आपको कहीं ना कहीं मैनुअली से करेक्ट करना ही पड़ेगा। सो इनके थ्रू हम ट्रैक कर सकते हैं पर्सपेक्टिव रोटेशन स्केलिंग पोजिशन एंड ऑल दिस थिंग्स एंड पैरामीटर्स। ट्रैकिंग के अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसके लिए भी सॉफ्टवेयर अगर आते हैं इवन जो आपके VFX के सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं में आपको प्लगइन मिल जाता है टूल मिल जाता है ट्रैकिंग का उसमें आपको टूल्स मिलते हैं कैमरा ट्रैकिंग मोशन ट्रैकिंग न्यूक हो गया न्यूक सिलाउट आफ्टर इफेक्ट्स ठीक है जो VFX सॉफ्टवेयर है इनमें आपको टूल्स वगैरह मिल जाते हैं ट्रैकिंग के। सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ट्रैकिंग के लिए जिसमें जो फेमस सॉफ्टवेयर है वो इक्वलाइजर एक बहुत ही फेमस और इंडस्ट्री में यूज़ किया जाने वाला सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर वो इक्वलाइजर है आज के टाइम पे और एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको ट्रैकिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन टूल्स वगैरह मिलते हैं। सो ये था छोटा सा वीडियो ट्रैकिंग के बारे में छोटा सा था नहीं थोड़ा सा बड़ा हो गया आज। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय लूना टिकटॉक।